अंग्रेजी शासन की अमानवीयता और भारतीयों की दयनीय स्थिति से परेशान होकर जिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को नई राजनीतिक चेतना का संदेश दिया, उनमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रमुख थे। ह्यूम साहब ने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि सन 1857 जैसे असंतोष के भीषण विस्फोट से बचने के लिए एक नई राजनीतिक संस्था की बहुत जरूरत है। उन्होंने उस समय के वॉइसराय लॉर्ड डफरिन के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद ह्यूम साहब ने भारतीय नेताओं से भी बातचीत की। उन्होंने भारतीय नेताओं को जगाने के उद्देश्य से कहा था, अगर देश के पढ़े लिखे लोगों में से केवल 50 लोग भी सामने नहीं आ सकते तो भारत के लिए उन्नत जीवन की आशा करना बेकार है। भारतवासी विदेशी हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। ह्यूम साहब की इस अपील का बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि एक अंग्रेज उन्हें ललकार रहा है और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इधर भारतीय नेता अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जुट गए। उधर ह्यूम साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों से बातचीत करने लंदन गए। ह्यूम साहब ने अपनी इस संस्था का नाम नेशनल यूनियन रखा और इसका अधिवेशन पूना में होना निश्चित हुआ था। किंतु जब वो 2 दिसंबर 1885 को लंदन से लौटकर बंबई पहुंचे, तो उन्हें मालूम हुआ कि कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन संस्था ने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर तक बुलाया है, तो ह्यूम साहब ने अपनी संस्था का नाम बदलकर नेशनल कांग्रेस कर दिया और इसके प्रथम अधिवेशन की तिथियां भी 28 से 30 दिसंबर 1885 तय कर दी। किंतु पूना में हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदलकर बंबई किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने इतने कम समय में भी अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली। इस तरह नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होना निश्चित हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अधिवेशन की सारी तैयारियां हो गईं और सभी प्रतिनिधियों को स्थान परिवर्तन की सूचना तार द्वारा दे दी गई। 28 दिसंबर को शुरू हुए नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन में उम्मीद तो थी कि करीब 100 लोग भाग लेंगे, लेकिन कुल 72 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के बारे में बंबई स्थित लंदन टाइम्स के संवाददाता ने लिखा था, इसमें मद्रास, लाहौर, बंबई और कलकत्ता तक समूचे भारत का प्रतिनिधित्व हुआ था। संभवतः पहली बार जब से संसार का आरंभ हुआ है, भारत एक राष्ट्र के रूप में यहाँ एकत्रित हुआ था। इस अधिवेशन की एक विशेषता ये थी कि सभी प्रांत के लोग अपनी अपनी परंपरागत वेशभूषा और विशेष पगड़ियों में आए थे। अधिवेशन की दो बातें और भी खास थीं। एक तो ये कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया था और दूसरी ये कि पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही मंच पर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने आए थे। नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की कार्रवाई 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी। सबसे पहले ह्यूम साहब ने बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर W.C. बनर्जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। W.C. बनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। वे जब नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो उपस्थित जनसमूह ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में W.C. बनर्जी ने कांग्रेस के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था, भारत के हित के लिए इंग्लैंड ने बहुत कुछ किया है। इसके लिए पूरा देश इंग्लैंड का आभारी है। उसने हमें गति दी, रेलवे दी और सबसे कीमती वस्तु पाश्चात्य शिक्षा दी। परंतु अभी हमें बहुत कुछ करना है। देश के वासी जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें राजनीतिक प्रगति की इच्छा बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूँ कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की इच्छा रखना राजद्रोह नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम जो चर्चा करेंगे वो सरकार तथा प्रजा दोनों के लिए लाभप्रद होगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अंत महारानी विक्टोरिया की जय जयकार से हुआ। इस जय जयकार का प्रस्ताव पेश करते हुए ह्यूम साहब ने कहा था,
महारानी के लिए जयकार केवल 3 बार नहीं बल्कि 3 का 3 गुना और यदि संभव हो तो उससे भी 3 गुने की जाए। इस अधिवेशन और कांग्रेस के जन्म के बारे में हालांकि कहा गया था कि कांग्रेस कट्टर राजभक्त संस्था है और इसे विद्रोहियों का अड्डा न समझा जाए, किंतु साथ ही ये भी स्वीकार किया गया कि कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसने एक नव युग के आगमन की घोषणा की, राष्ट्रीय एकता के युग की घोषणा की, जो ऊपर से लादी नहीं गई थी बल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी। सन 1886 में 27 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम बाबू ने यह गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता के सामने स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास प्रस्तुत किया था। बंकिम बाबू को बचपन से ही अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति प्रेम था। उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले बांग्ला भाषा के साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया और ऐसी रचनाएं दी जिनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। सरकारी नौकरी में रहकर भी बंकिम बाबू ने बड़े साहस के साथ देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी। उन्होंने बंग दर्शन नामक एक साहित्यिक पत्र भी प्रकाशित किया। उन्हें आधुनिक बांग्ला का जनक कहा जाता है। उनका गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीयता का संचार करने वाला सिद्ध हुआ और वंदे मातरम का घोष स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्राण मंत्र बन गया। कलकत्ता अधिवेशन में 25 वर्षीय युवक रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंकिम बाबू के गीत वंदे मातरम को अपने ही निर्मित धुन में गाया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। एक पारसी परिवार में जन्मे दादा भाई नौरोजी बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अध्यापक उन्हें भारत की आशा कहा करते थे। शिक्षा प्राप्त करते ही दादा भाई गणित के प्रोफेसर बन गए और तभी से राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने सन 1852 में बंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी और रास्त गुफ्तार नामक एक पाक्षिक अखबार भी निकाला था। सन 1855 में एक ब्रिटिश कंपनी के आमंत्रण पर दादा भाई इंग्लैंड चले गए। वहां उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की तुलना करने का अवसर मिला। दादा भाई ने ब्रिटेन की जनता में भारत के प्रति दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की। इस तरह वो धीरे धीरे भारत की दशा सुधारने के काम में पूरी तरह से जुट गए। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद से उन्होंने अंग्रेजों के शासन के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था, ये महारानी विक्टोरिया और ब्रिटेन के नागरिकों के कारण ही संभव हो पा रहा है। यह हम निर्भय और स्वतंत्र रूप से निसंकोच अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस का विकास होता गया, उसमें ये विचार भी विकसित होने लगा कि देश में अपना शासन हो और गुलामी से मुक्ति मिले। मिस्टर ह्यूम इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि वैधानिक तरीके से संघर्ष करते रहने से अवश्य सफलता मिलेगी, किंतु यदि विप्लवी ढंग अपनाया गया तो ये एक भयानक भूल होगी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी। तैयब जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नवयुग की नींव डालने वालों में से एक थे। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की थी। इंग्लैंड में ही वो दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और तभी से वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। भारत लौटकर वो बंबई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे थे और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी शुरू किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने आयोजित किया था, उसके अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी ही थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में तैयब जी ने देश के मुसलमानों को आवाज दी थी कि वे अन्य धर्म व जाति वालों की तरह देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आए। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में सन 1888 में हुआ। इसमें
1248 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्कॉटलैंड वासी जॉर्ज यूल। इस समय तक जिस जनचेतना का उदय हो चुका था उससे अंग्रेज शासक और स्वयं मिस्टर ह्यूम को डर था कि ये कहीं उग्र रूप धारण न कर ले। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन सन 1889 में बंबई में विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ। वो बड़े उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे। इंग्लैंड में भारत विरोध प्रचार का उन्होंने जोरदार खंडन किया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत के लोग शांति सुव्यवस्था और स्वस्थ शासन चाहते हैं। सन 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जनक और कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में बंबई में ही हुआ। फिरोज शाह मेहता ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ी थी और वहीं दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनकी विद्वत्ता समझदारी और दूरदर्शिता का लोहा ब्रिटिश सरकार तक मानती थी। वो अपने को पहले भारतीय फिर पारसी मानते थे। इसके बाद सातवां अधिवेशन सन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ। वो एक प्रसिद्ध वकील शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। कांग्रेस से वो उसकी स्थापना काल से ही जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का अंत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागे और देश के लोग अपनी संस्कृति का महत्व समझें। यद्यपि हमें बहुत थोड़ी सफलता मिली है परंतु आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे परिश्रम का फल चखेंगी और उन लोगों को याद करेंगी जिन्होंने साहस और निष्ठापूर्वक त्याग करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहे हैं। इस समय तक कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फैल चुका था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारत की राजनीतिक एकता आंदोलन के जनक थे। उनकी भाषण शैली बड़ी ही प्रभावशाली थी। आवाज इतनी बुलंद थी कि बड़ी बड़ी सभाओं में सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी उन्हें सुन सकता था। उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी किंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें वकालत नहीं करने दी। आखिर वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए। लेकिन इसके साथ साथ वो राजनीति में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले एक साधारण परिवार में जन्मे थे किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही बीए कर लिया था। फिर वो आर्थिक समस्याओं के कारण अध्यापन करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। वो राजनीति और शिक्षा को मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनाएं। लेकिन इसी समय कांग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नीति अपनाने के पक्ष में थे। बाल गंगाधर तिलक जब वकालत पढ़ रहे थे तभी से ये जानने लगे थे कि देश की हालत सुधारना है तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोग चाहिए। उन्होंने देश सेवा का मार्ग अपनाया और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक दो साप्ताहिक प्रकाशित किए। अरविंद घोष अनेक भाषाओं के विद्वान थे। वे दर्शन के ज्ञाता थे। वो न केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध थे बल्कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम को प्रेरणा का महान स्रोत माना था। वंदे मातरम से उन्होंने तीन बातें सीखी थी, बलिदान और निष्ठा, आत्मानुशासन और संगठन, देशभक्ति का धर्म। विपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करते रहे। उनके भाषणों और लेखों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता था। लाला लाजपत राय ने नवयुवकों में
स्वदेश भक्ति का बीजारोपण किया था। लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आर्य समाज के संस्कार पड़ चुके थे। वकील बनने के बाद उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राजनीतिक चेतना, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने भारत के नवयुवकों से कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आओ। इस तरह गरम दल के नेताओं ने कठोर नीतियां अपनाने पर जोर दिया, जबकि दूसरी ओर उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति, नई दिशा दी।